और सुन बेटा, तू कर्म करती जा, फल की चिंता मत कर। हाँ, फल की चिंता करने यहाँ पापा बैठे हैं ना। हाँ बैठा हूँ ना मैं। और अगर सिंगापुर का ना भी हुआ ना चैताली, तो अपने वाड़िया अंकल की टेरेस है ना, सेम टू सेम। क्या प्रवीण? हाँ चला, ये आइटम शेयर करने जैसी है, चल तू भी मेरे साथ शेयर कर। नहीं नहीं, अरे चल नहीं मारूंगी मैं। चल, चल। क्या मीनाक्षी, तुझे किसने कहा कि सिंगापुर वाड़िया अंकल के टेरेस जैसी है? नहीं, वो सोमिल बता रहा था, माना को, तब मैंने सुना। अच्छा, क्या बता रहा था? यही कि सिंगापुर में पंछियों के पार्क में आप पंछियों का खाना हाथ पे लेके खड़े रहो तो पंछी आपके हाथ पर कंधे पर ऐसे आकर दाना चुपते हैं। तो वाड़िया अंकल के टेरेस पे भी आप जुवार हाथ में लेके खड़े रहो तो कबूतर आपके कंधे पर हाथ पे आके बैठते हैं और दाना चुगते हैं। वाह मीनाक्षी। लेकिन मीनाक्षी, सिंगापुर में ल्यूग राइड्स होती है, वो स्कूटर जैसी गाड़ी होती है जिसमें बैठ के आप पूरा पार्क घूम सकते हो। हाँ तो वाड़िया अंकल के टेरेस पे भी है ना बच्चों के लिए स्कूटर, साइकिल, मोटर। वाड़िया अंकल खुद बोलते हैं, आओ बच्चों घूमो खेलो इसमें, तो हुआ ना सेम टू सेम। अरे मीनाक्षी काकी, सिंगापुर में है ना जंगल ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, और वो भी उरांगुटान, मतलब स्पेशल मंकी के सामने। हमारी रे, अगर ऐसा है तो वाड़िया अंकल की टेरेस सिंगापुर से अलग है। हाँ, और अच्छी भी। वो कैसे? वहाँ सिंगापुर में आप बंदर के सामने बैठ के नाश्ता कर सकते हैं, और यहाँ बंदर आपके सामने बैठ के नाश्ता करता है। वाड़ी अंकल के गार्डन में वो चीकू का झाड़ है ना, वहाँ रोज बंदर आकर चीकू तोड़ के वाड़ी आंटी के सामने ही खाता है, तो हुई ना वाड़ी अंकल की टेरेस सिंगापुर से अच्छी। ठीक है, तो तू सिंगापुर मत आना, हाँ वाड़ी अंकल के टेरेस पे जाना। अच्छा बा, चलो भैंस चलो, मुझे लेट हो रहा है। दादी माँ। जीती रे, मैं आपकी बात याद रखूंगी। सिंगापुर का प्राइस जीतने के लिए ना सही, अपना कॉन्फिडेंस जीतने के लिए ही सही, पर जीतूंगी मैं, ये तय है। वेरी गुड। जीती रे मेरी बच्ची, जीती रे। सिमरन को स्पेलिंग में कोई नहीं हरा सकता, न मैं न तुषार, और उसकी इंग्लिश टीचर भी नहीं। जो भी हो, सिंगापुर तो हम ही जाएंगे। वैसे आपके लिए एक बड़ी एक्साइटिंग सी जगह है, अगर आप जाना चाहें तो। बताइए ना आप ही ने। वाड़िया अंकल की टेरेस। तुषार। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे चीफ गेस्ट थोड़ी देर में आते ही होंगे, तब तक मैं कंटेस्ट जोन बी के पार्टिसिपेंट्स के नाम बता दूं। मनसुख लाल जल्दी कर, चालू हो गया, चालू हो गया। बस प्रवीण भाई, इस तरह कांस्टेंट प्रेयर मत करिए, चैताली टेंशन में आ जाएगी। और चैताली हारे या जीते, सिंगापुर की टूर तो होगी। वो ट्रिप के लिए प्रे नहीं कर रहे तो? लकी ड्रॉ में उनके नाम की पर्ची निकले ना, इसलिए प्रे कर रहे। चलो भगवान, चिट्ठी में से मेरा ही नाम निकाला, चिट्ठी में से मेरा ही नाम निकाला, चिट्ठी में से मेरा ही नाम निकाला। चिट्ठी में से मेरा ही नाम। पहले ये प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान चैताली को जीता दो, और जैसे ही बाहर ने कहा कि ट्रिप फाइनल ही है तो प्रार्थना बदल गई। तू जीतना। 100% जीतूंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं नहीं जीत पाई तो। जैसे कृष्ण, मैं ना सिंगापुर जाने वाला हूँ। तो हम तो संभल लेंगे, पर इन्हें संभालना मुश्किल होगा। मैं
मैं ना सिंगापुर जाने वाला हूँ प्लेन में, वाड़ी अंकल की टेरेस पे नहीं जाने वाला हूँ, डायरेक्ट सिंगापुर। श्री कृष्ण अपने सिंगापुर देखा है, मैं देखने वाला हूँ, फिर आपका बचका हो जाएगा। मैं ना वहां से आपको फोन करूंगा मोबाइल पे, और आप मुझको लेटर लिखना, चलेगा? जय श्री कृष्ण।